फिल्म तो अब हमारे डायरेक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि माफिया के ऊपर बेस्ड है, और आज जो हम लोग गाना शूट कर रहे हैं वो एक बहुत ही क्रिटिकल सा पॉइंट आता है फिल्म के अंदर में, जहाँ पर मैं भी आता हूँ। सो उसी गाने को हम लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट ये टाइम है फिल्म के अंदर। सो उस हिसाब से मतलब सिर्फ ये गाना गाना नहीं है, कहानी भी इसके ज़रिए आगे बढ़ती है। अपने किरदार के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? ये अब वैसे तो कहा जाए तो फिल्म एंटी हीरो है फिल्म का, सो इसमें ग्रे शेड्स भी हैं एंड इसका एक अपना मोटिवेशन भी है। सो बहुत ही रियल किस्म का कैरेक्टर है, जैसा कि हम लोग आम जिंदगी में देखते हैं कि हर कुछ जो है ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है। सो ये उस तरीके का कैरेक्टर है। अपने रियल लाइफ से कितना रिलेट करते हैं? नहीं, जैसा मैंने बताया कि हम लोग रियल लाइफ में यू नो सिचुएशन टू सिचुएशन हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी कोई चीज़ जो है किसी एक आदमी के लिए सही होती है, वो दूसरे के लिए गलत होती है, तो उसको देखने का नज़रिया और आपका उस समय आप किस दौर से गुजर रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो उस तरीके का बहुत ही रियल कैरेक्टर है। देखा जाए तो इस मूवी में काफ़ी दिग्गज कलाकार भी है, वीरेंद्र काला जी से, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? बहुत ही अच्छा है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। मतलब एक्टर्स की लाइफ तो हमेशा ही सीखने के लिए होती है, इसमें बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं जैसा कि आपने देखा, तो सबके साथ काम करके सीखने को मिल रहा है, थोड़ा बेहतर होने का मौका मिल रहा है। हाँ देखिए, ये भी डिपेंड करता है कि कैरेक्टर टू कैरेक्टर, स्टोरी टू स्टोरी, और डायरेक्टर जो हम लोग से डिमांड करते हैं। बहुत बारी हमको कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है उस डायरेक्टर की डिमांड के हिसाब से, और कई बारी डायरेक्टर का ऐसा रहता है कि नहीं, आप कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड रहिए। सो दैट डिपेंड्स एक्चुअली। हाँ, आने वाली, तो मतलब किस टाइप में ये आइटम सॉन्ग दिखने वाला है? आइटम सॉन्ग तो पता नहीं, अब आइटम सॉन्ग वर्ड शायद इस गाने के लिए फिट नहीं होता है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको बताया, कहानी का बहुत ही सिग्निफिकेंस इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइटम सॉन्ग कह देना मतलब वो एक वर्ड है शायद, लेकिन एक्चुअली में कहानी बताई जा रही है एक गाने के ज़रिए। गाना बैकग्राउंड में है और बाकी बहुत कुछ हो रहा है उसके इर्द गिर्द। अभी तो शूटिंग शुरू हुई है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन जब भी रिलीज़ होगी तो हम लोग सब लोग चाहेंगे कि लोग इसको देखें और सराहें, पसंद करें और अपना प्यार दें। तो सॉन्ग कब हम देखने वाले ऑनलाइन यूट्यूब में? ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, इसका जवाब हमारे प्रोड्यूसर ही दे सकेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।